अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चंद कुछ 6 महीने पहले का एक वाकया है जो बड़ा ही अजीब है, इंसानियत से परे हैवानियत भरा वाकया। इबरत से लबरेज, एक शहर में एक ताजीर के घर बड़ी महंगी शादी हुई। हर तरह का खाना, हर तरह का पकवान, हर मजहब के लिए मुनासिब, करोड़ों खर्च हुआ। अरे मुकाबले का जमाना है भाई, इतना तो चलता है। चलो सब कुछ ठीक हुआ। दूसरे दिन दोनों दूल्हा दुल्हन में अनबन शुरू। लड़ाई इतनी बड़ी कि उसी वक्त दुल्हन अपने मायके और लड़का कोर्ट में वकीलों के साथ। मामला इतना बड़ा कि दोनों का तलाक हो गया। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक तहकीक की तो पता चला कि लड़की काली सांवली और बदसूरत है। अरे भाई, लोगों ने कहा कि हमने तो शादी में इस लड़की को बहुत खूबसूरत पाया। उसके साथ सेल्फी लेने के चक्कर में हम आज तक अपनी बीवियों के ताने सुन रहे हैं। माशाल्लाह दुल्हन तो हूर लग रही थी, फिर अब ऐसा क्या हो गया? तो दूल्हे ने कहा कि जब लड़की देखने गए तब रस्म मंगनी में और शादी के वक्त दुल्हन ने लाखों रुपया खर्च करके महंगे मेकअप किए थे, यानी चेहरे को संवारा था मेकअप के जरिए ब्यूटी पार्लर में जाकर, जिससे उसका रंग और बदसूरती कुछ दिन के लिए छुप गई थी। अब लड़का ठहरा गुलाबी मिजाज का, फिर क्या कहना। दूसरे दिन जैसे ही लड़की की हकीकत सामने आई तो ये सब वाकया तारीख में दर्ज हो गया। जिस हकीकी यानी जिस ओरिजिनल चेहरे के साथ आपको पूरी उम्र गुजारनी है, उसे एक दिन के लिए क्यों बदलते हो? ये सवाल आपके लिए है और हम सब भाई बहनों के लिए है। जब हजरत अली की एक भी खासियत आप के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो फिर बीवी फातिमा की तलाश क्यों करते हो? आज की औरत और लड़कियां ना जाने कहां कहां जाकर अपने जिस्म पर गैर मर्दों के हाथों से ना जाने क्या क्या लगवा रही हैं, जबकि ये सब हराम है, तो फिर आपको हजरत अली की खासियत वाला शोहर कैसे मिलेगा? जब हम ता हयात अपने चेहरे को सिर्फ अपने शोहर के लिए संवार नहीं सकते, तो एक दिन के लिए क्यों? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ लो, जो कयामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए बेहतर हैं। लोग कितने भी बदल जाएं, मगर हकीकत नहीं बदल सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी हकीकत पर मबनी गुजारो, मत बिगाड़ो अपने चेहरों को। आपके इस रंग को, आपके इस चेहरे को पसंद करने वाला आपका जोड़ा अल्लाह ताला ने इस जमीन पर उतारा है। सब्र करो, मिलकर रहेगा। अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सवारो, सजाओ, इसका मेकअप करो। बस यही जो सुन्नतें हैं आपको दोनों जहां में कामयाब और कामरा करने वाली है, बाकी सब बेकार हैं। अपने जिंदगी भर के साथी को धोखा मत दो। आईने की तरह शफाफ जिंदगी जियो, बस यही सही मेकअप है, यही कामयाबी है। अपने जिंदगी को संवारो। खुदा हाफिज़।